यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य परिवहन महानिदेशक के वर्ष 2016 में भर्ती चालकों को निकालने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब रोडवेज कर्मचारी संघ ने इसके विरोध में कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, CPIM और प्रदेश के अध्यक्षों को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने महानिदेशक की ओर से जारी पत्र को वापस नहीं लिया तो रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। वहीं रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने साफ किया कि अगर सरकार ने सफाई कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की तो भी आंदोलन किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के बाद में गत दिनों हरियाणा मंत्रिमंडल ने विभाग के अंदर 500 प्राइवेट गाड़ियों को हायर करने का फैसला लिया। अभी कुछ दिन पहले 4 मई को डायरेक्टर जनरल ट्रांसपोर्ट ने हमारे लगभग 400 चालकों को निकालने के फरमान जारी किया। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, यदि वर्तमान सरकार अपने चेतों के माध्यम से जनता के खून और पसीने की गाड़ी कमाई से खड़े किए गए इस विभाग को बर्बाद करेगी तो रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।